हाय गाइस, आज मैं बना रही हूँ भरवा पटल। तो आप देख सकते हैं उस पटल को मैं छील रही हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे छील लेंगे और इसको बीच से ऐसे कट लगा लेंगे और इसके अंदर की जो सारी बीज है इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से सारे पटल को छीलना है। ऑयल डाली हूँ, इसको गर्म होने के बाद मैं इसमें पटल को डाल के इसको पहले फ्राई करके निकाल लूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, परवल हमारा फ्राई हो चुका है। इसको कहीं पर परवल बोलते हैं, कहीं पर परवल बोलते हैं और कहीं पटल भी बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसको हम निकाल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा लाल हो चुका है। अब इसमें ये बीज जो मैंने निकाला था उसको डालूंगी। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालें, ये आपकी चॉइस है। आप इसको हटा भी सकते हैं। और अब इसमें ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। और ये देखिए मिर्ची पाउडर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये हल्दी पाउडर है और 3 चम्मच इससे धनिया का पाउडर है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेना है और इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भुन रहा है। इसको और 5 मिनट अभी अच्छे से भून लेंगे। और इसमें अब देखिए ये थोड़ा सा अचार है और ये 1/2 टेबल स्पून चीनी है, ये देख सकते हैं। और अगर आपके पास इमली हो तो आप अचार के जगह पे इमली भी डाल सकते हैं। तो मैं ये अचार डाल दूँगी इसमें और ये चीनी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। देखिए अब हमारा मसाला भुन चुका है, अब इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मसाला को निकाल लिया, अब इसको मैं पटल में इसको भरेंगे। तो देखिए आप कैसे भरेंगे इसमें, इस तरह से एक एक करके खोल खोल के आराम से इसको भरना है। मसाला अभी भी गर्म है और आप इस तरीके से बनाएं आप इस सब्जी को, बहुत टेस्टी बनेगी। इसका टेस्ट अलग ही आता है इस तरीके से बनाने से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देख सकते हैं मैंने इस तरीके से सब में मसाले को भर लिया है। बिल्कुल घर के मसालों से ये सब्जी बना हुआ है। थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है लेकिन इसकी टेस्ट लाजवाब है। ये देखिए इस तरह से इसको भर के और ऐसे थोड़ा सा पैक कर देना है। ये देख सकते हैं, अब मैं इसी पैन में देखिए
अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और इसी पैन में मैं सबको धीरे धीरे डाल दूंगी जिसमें मैंने मसाला बनाया था। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, आप इसी तरह से भर करके प्रेशर कुकर में डाल दें और एक सीटी लगा लें तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। और ये जो मसाला बचा हुआ है इसको सबको मैं इसी में डाल दूँगी। फ्रेंड्स अब मैं इसमें एक कप पानी डाल दूँगी जिससे कि सब्जी हमारा अच्छे से गल जाएगा। इसको ढक देंगे, एक उबाल आने के बाद फ्लेम को कम कर देंगे, फिर दिखाते हैं आपको हमारी सब्जी कैसी बनी। देखिए फ्रेंड्स सब्जी हमारा बनके रेडी हो गया। अब इसमें ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे और सब्जी भी हमारी गल गई है, देख सकते हैं आप। ये देखिए तो ये हमारा सब्जी बनके रेडी हो गया है।